नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मदीप गौतम और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज। चुनाव का दौर चल रहा है और चंडीगढ़ में 19 तारीख को यानी कि 19 मई को चुनाव होने वाले हैं, तो इसी से रिलेटेड आइए अपने यूथ से पूछते हैं वो क्या देखते हैं कि कौन सी सरकार चंडीगढ़ में आनी चाहिए। सर आपका नाम? सर आपका हाँ जी। अच्छा, तो किस पार्टी को आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ में क्या कौन सी पार्टी आनी चाहिए? चंडीगढ़ में ही बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए क्यों सर? अच्छी पार्टी है, 5 साल से मतलब किसानों को छोड़ के देखा जाए जो भी किया उन्होंने वो अच्छा किया है। अभी जैसे हेयर स्टाइल वगैरह हुई है और मतलब अभी वो जो आतंकवादी था मंत्री मतलब उसमें भी उन्होंने काफ़ी कार्रवाई करके तो अब उसे वर्ल्ड वो घोषित किया गया। बाकी तो बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के राज में ये सब नहीं हुआ, क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस के राज में सर ज़्यादातर देखा जाए तो 3 बार जीती लगातार और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं थी। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ भी हो रहा है। मनीष जी आपकी बोल रहे हैं? हाँ जी। तो इस बार किसको देने वाले हैं? इस बार हम कांग्रेस करेंगे। कांग्रेस क्यों सर? कांग्रेस अच्छी पार्टी, सब कम्युनिटी को साथ में लेके चलती है। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि बीजेपी ने किसान वर्ग को छोड़ के सबका साथ दिया, अगर मेन बंदे बीजेपी ने छोड़ दिया तो बाकी कहाँ जाएंगे? अगर आपको अन्य नहीं मिलेगा तो बाकी क्या मिलेगा? तो कांग्रेस का समर्थन करते हो? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, सबको साथ में लेके चलती है और बहुत काम किया आज तक जितना भी देखिए। तो अगर अपना इंडिया आगे बढ़ा तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की वजह से आगे बढ़ा है। नहीं तो बीजेपी से क्या नाराजगी है आपको? नाराजगी तो इन्होंने बीजेपी के टाइम में 5 साल में सिर्फ करप्शन ही बढ़ा है, इतना इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। करप्शन ज़्यादा बढ़ा है और ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे लोग खुश हों। जब बीजेपी आई थी तो एक नारा था अच्छे दिन आने वाले, तो क्या लगता है अच्छे दिन? अच्छे दिन तो ना ही आए हैं ना ही आएंगे अगले 5 साल, ये गारंटी है मेरी। जब तक बीजेपी है तब तक तो अच्छे दिन तो भूल जाओ। और एक और नारा है चौकीदार चोर है, वो तो चोर तो है ही है जी, क्या शरेआम तो वो सब करप्टिव है। सबसे बड़ा करप्शन तो मतलब करप्टिव पर्सन तो मोदी जी हैं, शरेआम तो धांधली करते हैं, राफेल हो या कोई भी चीज़ सबसे बड़ी तो वही करते हैं, तो कहाँ से मान लेंगे अच्छे दिन आज। राहुल गांधी जी बनने लायक तो है अगर यूथ मतलब बन जाएंगे एक बात नहीं, अच्छे है लीडर, अच्छी नई सोच है एक तो, और पढ़े लिखे नौजवान है। शुरू से ये तो वही भेड़ चाल वाली बात होती, फिर भी कांग्रेस की क्या चीज थी जो अच्छी लगी? बस जिस तरह की मनमोहन सिंह था बहुत अच्छा लीडर रहा वो अपने टाइम का, बहुत ही अच्छे काम भी कर रहे हैं उसने। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।